हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हमारे एक सी प्रोग्राम में होते हैं। वैसे बेसिकली हम इनके बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, पर अब आज के लेक्चर में हम पुराने वाला लास्ट लेक्चर का जो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि कौन से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन से क्या क्या काम होता है और किसको चेंज करने से क्या एरर आती है या क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले हमारा ये विंडो ओपन हो जाती है जब हम हमारा सी का कंपाइलर ओपन करते हैं। तो अगर मैंने कोई पहले से ही प्रोग्राम बना के सेव किया हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल में जाना पड़ता है। तो हम फाइल में जाते हैं, वहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे प्रोग्राम का जो भी नाम था वो हमें याद रखना पड़ता है। हमारे प्रोग्राम का नाम था एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था एस आई, या फिर आप ये नाम टाइप कर दो या फिर इस लिस्ट में आपको दिख जाता है। अभी एक्चुअली में नेम्स कम है यहाँ पे, हमारे प्रोग्राम बनाना हमने स्टार्ट ही किया है तो आपको यहाँ दिख जाएगा, पर जब ज़्यादा होते हैं तो इसको आपको आगे पीछे करके देखना होता है। तो इससे अच्छी बात यह है कि अगर आपको नाम याद है तो वो नाम टाइप करो और नाम टाइप करके एंटर प्रेस कर दो तो आपकी वो वाली फाइल ओपन हो जाती है। अब इसी में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस करने से क्या क्या आपका आउटपुट आता है। पहले एक बार इसको प्रोग्राम को मैं रन करके बता देती हूँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। जैसे हमने सिंपल सॉरी प्रिंसिपल की वैल्यू एंटर की है 100, रेट की 2 और टाइम की 3, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 6। अब हम इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर करके देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंटीजर नंबर होता है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी, हाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ। जो ये मैंने सिंबल लगाया है ये कमेंट लाइन के लिए होता है। जो ये डबल लाइन वाला सिंबल था ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, और ये वाला सिंबल होता है मल्टी लाइन के लिए। आपको इसको ओपन भी करना पड़ता है और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो परसेंट डी होता है इंटीजर्स के लिए, परसेंट एफ होता है फ्लोट नंबर के लिए, परसेंट सी होता है कैरेक्टर के लिए। क्या लिखते हैं, परसेंट एल एफ होता है डबल के लिए। मैंने इसको लाइन को अगर ओपन किया है तो मुझे इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट, और ये इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो जब हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो प्रिंसिपल को हमने फ्लोट नंबर लिया था, मतलब हम उसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं। और इसको फ्लोट लेने का एक अलग दूसरा रीज़न ये भी था कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो और अगर आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है तो आपका आउटपुट एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ट्रंकेट हो रही थी, मतलब हट रही थी, पॉइंट के बाद में आपका सिर्फ 0 0 आ रहा था। क्योंकि हम रेट तो हमारी हमेशा इंटीजर में ही होती है और टाइम भी हमारा ईयर्स में ही होगा, तो ईयर्स भी इंटीजर में ही होते हैं। तो रेट और टाइम को तो हम फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, पर हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हमने फ्लोट नंबर डिक्लेयर कर दिया है। उससे हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आ रहा था जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था ये वाली लाइन जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो भी आप यहाँ पे लिखते हो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। अगर आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं लगाए हैं और उनके कोई इंटीजर नंबर या फ्लोट नंबर की वैल्यू आप प्रिंट करना चाह रहे हो और सिर्फ उनका नाम लिखा है तो एज इट इज जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो स्क्रीन पे प्रिंट होता है। पर अगर आपको इनकी वैल्यू भी प्रिंट करवानी है तो आपको इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है। जैसे आपने यहाँ पे ये प्रिंट एफ में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू
परसेंट एफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने ये परसेंट एफ नहीं लगाया है तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होती। जैसे मैं इसको हटा के देखती हूँ क्या आंसर आता है। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट इज लिखा हुआ आ रहा है जबकि कुछ आंसर शो नहीं हो रहा है। एज इट इज जो आपका डबल कोट्स में लिखा हुआ था वो आपका प्रिंट हो गया। पर अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना जरूरी होता है, इसलिए आपने लगाया था परसेंट एफ। अब देखो आपका आंसर सही आना चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया 100, रेट एंटर किया 2 और टाइम एंटर किया 3 ईयर्स। देखो हमारा यही सिंपल इंटरेस्ट आता है जो सही आ रहा है। अगर मैं गलती से अगर उसको आपने डिक्लेयर कर रखा है फ्लोट टाइप का और आपने वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगा दिया है, गलती से परसेंट एफ की जगह परसेंट डी लगा दिया है तो क्या आंसर आता है ये भी देख लेते हैं। क्या एरर आती है? एरर नहीं आएगी। देखो एरर नहीं आ रही है, पर अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है? मैंने वही प्रिंसिपल रेट और टाइम में एंटर कर रही हूँ। देखो आंसर क्या है? 0। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस टाइप का वेरिएबल आपने उसको डिक्लेयर किया है अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आता है। तो यहाँ पे अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को देखो यहाँ पे आपने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो उसके लिए फ्लोट के लिए जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट एफ होता है। आपको परसेंट डी लगाओगे तो आंसर गलत आएगा जबकि एरर नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको जब ये वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो आपको वैल्यू अलग से डिस्प्ले हो वो भी आप उसके लिए भी यहाँ पे एक लाइन प्रिंट एफ वाली लाइन मेंशन कर सकते हो। तो उससे पहले मैं जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो ये सिंबल है इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं और ये बताता है कि जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हो वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर होगी। तो ये वाला ऑपरेटर लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो एरर नहीं आएगी पर आपका आंसर भी सही नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पे बाई चांस इसके आगे ये लगाना भूल गई हूँ तो मैंने जैसे मान लीजिए हटा दिया। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। देखो एरर 0 आ रही है। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया 100, रेट एंटर किया 2 और टाइम एंटर किया है 3 ईयर। क्या आंसर आ रहा है? देखो सिंपल इंटरेस्ट इज नन, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। आपको ये लगाना ही पड़ता है। अब आप देखना चाहते हो कि इस आर में क्या वैल्यू आई है। एक्चुअली में आर में एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू असाइन हो जाती है जो एक अपना कंप्यूटर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है और उस अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू की वजह से ये आंसर आ रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस रेट में या आप कह सको आर में क्या वैल्यू असाइन हुई है। तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देती हूँ और देख लेती हूँ कि आर में क्या वैल्यू असाइन हुई है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या है, पी इक्वल्स टू परसेंट एफ यहाँ पे लगा देते हैं स्लैश एन ताकि सब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाए। स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। R equals to percent D, फिर हमने लगाया slash N और फिर है आपका D equals to percent D। यहाँ पे परसेंट पी क्या है, फ्लोट टाइप का, इसलिए परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया है। आर आपका है इंटीजर टाइप का इसलिए परसेंट डी स्पेसिफाई लगाया है और टी भी आपका है इंटीजर टाइप का इसलिए परसेंट
डी स्पेसिफायर यहाँ पे हमने लगाया है, डबल कोट्स बाहर आके कॉमा आके हम लिखते हैं पी कॉमा डी कॉमा आर। आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि ये किस सीक्वेंस में आप एंटर सॉरी प्रिंट करवाना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया 100, फिर एंटर किया 2 और टाइम एंटर किया 3। तो देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल में आया है 100, रेट में आया है 3 और टाइम में आया है 1944, जो कि गलत है और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी गलत आ रहा है। तो क्या होता है कि जब आप ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाते हो तो आपकी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू असाइन कर देता है। तो यहाँ पे देखो आपने जब आपने आंसर देखा होगा तो आर की वैल्यू आपने 2 एंटर की थी, जबकि 2 नहीं आई है, वो 3 आई है और उसके बाद वाले जो नंबर हैं उसमें भी उसने अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू ही असाइन कर दी है। अब इसको अगर मैं वापस से सही से लिखती हूँ तो आपको आंसर देखो सही आना चाहिए। इसको मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर फिर से लगा दिया और आपका सिंपल इंटरेस्ट इसी लाइन के बाद में दिख रहा था, तो हम यहाँ पे स्लैश लाइन फिर से लगा देते हैं ताकि सिंपल इंटरेस्ट भी न्यू लाइन में प्रिंट हो। ये देखो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी पी आ रहा है 100, रेट आ रही है 3 और टाइम आ रहा है 2, जबकि आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है NaN। देखते हैं क्या हुआ। ये एक्चुअली में क्या हुआ कि जब आपने लास्ट वाले जब चेंज किया था तो इसमें इसकी वैल्यू वही असाइन हो गई और कैश इसके कंप्यूटर की कैशे से वो पुरानी वैल्यू ही उठा रहा है और आंसर गलत आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं तो आंसर सही आना चाहिए। और अगर फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा तो इसी प्रोग्राम को हम सेव करके जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। अभी भी वही आ रहा है तो इसको हम पहले सही कर देते हैं। जो अभी आप सोचोगे कि सही तो हमने कर दिया, पर अगर आप फिर से हम सेव नहीं करेंगे तो जो हमने जो एक्स्ट्रा चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगे। तो हमने जो बाद में सेव करने के बाद में जो चेंजेस किए हैं अगर हम उन्हें भी सेव करना चाहते हैं तो हमें फिर से सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो इस कंपाइलर की कमी है कि इसमें माउस बहुत ही कम टाइम काम करता है, तो शॉर्टकट की है फाइल में जाने की ऑल्ट एफ, यहाँ जाके सेव पे क्लिक कर दो। अब हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब इसी को हम एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब हम फिर से इसको ओपन करते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो आपका आंसर सही आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपाइलर जो हमारा ये टाइप सी कंपाइलर है पुरानी वाली वैल्यू को कैशे में स्टोर कर लेता है और उसकी वजह से आंसर गलत आता है। तो आपको अगर प्रोग्राम का आउटपुट आपको पता है प्रोग्राम बिल्कुल सही है सही नहीं आ रहा है तो आप एक बार टर्बो सी कंपाइलर को रिस्टार्ट करके देखिए, आपका आउटपुट सही आना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस हमने करके देखे और उसे क्या आउटपुट आया वो भी हमने देखा। तो इन बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ क्या चेंजेस करने से क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का और इस एम्परसेंट वाले सिंबल का, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, इस सिंबल का आपको ध्यान रखना होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम बिना स्कैनएफ की हेल्प के इनपुट लेंगे यूजर से और उससे हम हमारा प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू।